नमस्कार दोस्तों, कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि 50 साल की उम्र के बाद हमें अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये आयु सीमा घटकर 20 से 35 वर्ष के बीच में हो गई है। गंभीर बात ये है कि आजकल कम आयु सीमा में भी हृदय रोगों का खतरा और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूसरे नंबर पे जो मौतें हो रही हैं, वो हृदय रोग के कारण हो रही हैं। डायबिटीज हृदय रोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हमारे देश को विश्व में डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। हमारे यहाँ लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इसमें बहुत बड़ी संख्या युवाओं की भी है। युवाओं के साथ साथ महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा बीते कुछ सालों में 3 दशकों में बहुत बढ़ गया है। काम के लंबे घंटों के बीच वो अपनी सेहत और शारीरिक सक्रियता पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डेडलाइंस और अच्छी परफॉर्मेंस का दबाव सबके ऊपर बढ़ गया है। लंबे समय तक डेस्क पे बैठ के काम करना, देर से सोना, देर से उठना, समय से खाना पीना नहीं खाना और व्यायाम का रूटीन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इन सब परेशानियों के बीच हम अपने दिल को कैसे सेहतमंद रखें ताकि दिल लंबे समय तक हमारा साथ निभाए, इसके लिए हमें कुछ उपाय और कुछ आदतें अपनानी होगी। आइए मैं बताती हूँ इनके बारे में, ताकि आप इन आदतों को अपनाकर अपने दिल को सेहतमंद रख सकें। सबसे जरूरी ये है कि जिनको बीपी और दिल की बीमारी या हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, वो नियमित रूप से डॉक्टर से संपर्क में रहें, अपने शुगर लेवल और बीपी को नियमित चेक कराएं, समय से दवाइयां लें और डॉक्टर के बताए अनुसार खान पान का सही से पालन करें। अगर बीपी घट बढ़ रहा है तो भी अपने डॉक्टर को सूचित जरूर करिए। अपने वजन को नियंत्रण में रखिए। हमारी हाइट के अनुसार हमारे वेट का निर्धारण होता है। इसे बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI कहा जाता है। कुछ पर्टिकुलर हाइट पर एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, ये पहले से निर्धारित होता है, जिसे BMI कहा जाता है। आप अपने डॉक्टर से इस BMI को जान सकते हैं और BMI मेंटेन करके आप अपने वजन को नियंत्रण में रख सकते हैं। अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। गलत खान पान की वजह से भी शुगर लेवल बहुत खराब हो जाता है। जरूरत यह है कि हम ताजे फलों को, हरी सब्जियों को अपने भोजन में वरीयता दें। पानी का सही से इस्तेमाल करें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं और ग्रीन टी जैसी चीजें हमारे दिल की और शरीर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे खान पान का बहुत महत्व होता है। अगर हम जंक फूड का लगातार सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है, वो बढ़ जाता है। इन्हें ट्राइग्लिसराइड और LDL कहा जाता है। इनको मेंटेन करना दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम और खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इससे तनाव कम रहता है, शारीरिक सक्रियता बनी रहती है और एंडोर्फिन्स नाम के अच्छे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। धूम्रपान और नशे की आदत से कोसों दूर रहिए। खुशी के बहाने तलाशिए। जिन चीजों में आपको रुचि है, जैसे कि डांस, संगीत, घूमना, इन सब में समय जरूर व्यतीत करिए। अगर लगातार घबराहट और स्ट्रेस बना हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सीखने की जरूरत है। परिवार में अगर हार्ट अटैक, डायबिटीज का इतिहास हो या हिस्ट्री हो, तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए और अपनी सेहत के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। सादा भोजन करें।
कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, दूध, अंडा, ये सब हमारी सेहत और हार्ट पर असर डालते हैं। इनका कितना सेवन करना है ये आप अपने डॉक्टर से जानिए और उसी के मुताबिक सेवन करिए। अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे हार्ट की आर्टरीज में प्लाक जमता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ भरपूर नींद लीजिए और जीवन के प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाइए, क्योंकि रिसर्च साबित करते हैं कि जिनका जीवन के प्रति सकारात्मक रुख रहता है वो दीर्घायु होते हैं। हमारी होम्योपैथी में भी हार्ट की सेहत और दिल को दुरुस्त रखने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। इनका सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। अगर किसी भी रोग के शुरुआती दौर में, खासतौर से डायबिटीज और हृदय रोग के केस में, अगर शुरुआती दौर से ही होम्योपैथिक दवाई का सेवन किया जाता है तो रोग नियंत्रण में रहने के साथ साथ बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि ठीक भी हो जाता है। इनमें कुछ दवाइयां प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि नाजा, क्रेटिगस, कैक्टस, लाइकोपोडियम। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद है। अश्वगंधा और अर्जुना जैसी दवाइयां हमारे हार्ट की सेहत के लिए रामबाण हैं। इनका सेवन कैसे और कब करना है ये आप होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके जान सकते हैं। तो अगर आपको चिंता है अपने दिल की तो अपने सेहत का रखिए ख्याल। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हर नक्काशी पर आप कहेंगे वाह, हर कलाकारी में बजेंगी तालियां। अब जब आप पहनेंगी जौहरी ज्वेलर्स की ज्वेलरी तो आपसे नजर हटेगी कैसे? लाइए कोई भी डिजाइन और जौहरी ज्वेलर्स में आपको मिलेगी बिल्कुल वही डिजाइन। साथ ही पाए सभी ज्वेलरी मेकिंग पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर्स। विजिट जौहरी ज्वेलर्स।